आज से एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री सुखू के अलावा नव नियुक्त राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन नंदलाल और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा पहुंचे। बड़ी बात यह रही कि दोनों ही हथियारबंद पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में यहां पहुंचे थे। इन दोनों को विक्रमादित्य सिंह का करीबी माना जाता है। बहरहाल, पंदुआ की सतलुज नदी पर होने वाली इस चैंपियनशिप में करीब 20 टीमों के 100 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हमारा टूरिज्म है, और टूरिज्म में कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म के संबंधित है या वाटर से संबंधित है, उन एक्टिविटीज को हिमाचल सरकार पिछले 14 महीने से प्रमोट कर रही है। पहले एशियन राफ्टिंग जो हुई वो हमीरपुर में नदौन ब्यास में हुई, ये दूसरी एशियन राफ्टिंग जो है जो आज सुन्नी से स्टार्ट हो रही है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, तकरीबन 6 बाहर की कंट्रीज आई हैं, तो वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप है। इसके लिए मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो इनके हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, कैबिनेट में हमने फैसला किया है कि हमें भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई आप इस पर कार्रवाई ना करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो पंजाब सरकार गई है उस सिलसिले में हम उनसे संवाद स्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम अपने वकील के माध्यम से वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे।